हेलो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिस इज एचडीआर ब्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और कुचस में थे तो कुचस के बगल में ही एक गंगोलिया वन है, वहाँ पे महाशिवरात्रि के अवसर पे मेले का आयोजन होता है। तो अभी मेला लगा हुआ था, सोचे कि हम लोग घूमे और साथ में आप लोगों को भी घुमाते चले। तो अभी घूमने के लिए मेरे साथ है बहुत सारे लोग हैं, एक सचिन है, एक नीतीश बैठा हुआ है वहाँ पे, सब लोग चलते हैं साथ में घूमने मेला। पुत्री पर पिता के दस गुणा ज्ञान भगवान है। मेरा 30 रुपए पर हेड लगा है, बर्बाद हो गया। झूले पर चले हुए थे, झूला पर झूला थोड़ा छोटा होने का मजा थोड़ा कम आया, लेकिन ठीक है, फिर भी छोटे से शहर में इतना एंजॉयमेंट के लिए काफी है, बाकी मजा तो भरपूर है और भीड़ बहुत कम है। और नाव अभी चल रही है, भीड़ बहुत कम है लोगों की, बाकी चलते हैं थोड़ा जगह में घूमने, फिर मेला घूमेंगे, फिर वहाँ से। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एच डी आर ब्लॉग्स पे। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग्स। और आज के ब्लॉग शुरू करने से पहले स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एच डी आर ब्लॉग्स में। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहला वीडियो है, इसलिए मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। और इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस चैनल पर क्या करने वाला हूं, मेरा चैनल का कंटेंट क्या होगा, मेरे चैनल का बेसिस क्या होगा, तो सारा, और मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम क्या हुआ, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सनी देवरा है, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। और इस चैनल पर जो भी ब्लॉग्स आएगा वो सारा ब्लॉग्स ट्रेवलिंग, मार्केटिंग और लाइफ स्टाइल, इंटरटेनमेंट और आपके और हमारे फायदे वाली सारी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। और मेरे साथ बात करने के लिए बहुत सारे दोस्त होंगे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे मैं सारे दोस्तों को एक एक करके मिलाऊंगा। अभी नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे, एक दो दोस्त इस वीडियो में मिल सकते हैं, शायद अगले वीडियो में और दोस्तों से मिलाऊँगा मैं आपको। और जो भी वीडियो होगा वो सारा वीडियो का कॉन्टेंट एक अलग जोनर का होगा, एक अलग सब ऐसा आएगा कि ताकि सब आप लोगों को भी मज़ा आए, हमको भी मज़ा आए, सदा इंटरटेनमेंट से भरपूर होगा, मस्ती। मैं अपने एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ जो मेरे साथ में ही रहते हैं, वो ऐसे पैसे से एक मॉडल हैं, एक्टर भी हैं, और वो मेरे साथ वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको आगे वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने दोस्त को आप लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करा दूँ, जिनका नाम है अमित सोनी। आ जाए भाई, मिल ले भाई मेरे व्यूअर से। हाई एवरीवन, माय नेम इज अमित सोनी। वैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद से मैं कई सारे डांस कोचिंग वहाँ पे ज्वाइन किया था, मैं एक डांसर हूँ, मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया है। और मैं चाहता हूँ इनका एचडीआर ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, उसमें इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ विजिट करूँ, जैसे ऑडिशन के लिए जाता हूँ या फिर अपने एक्टिंग वर्कशॉप में जाता हूँ, ये वहाँ पर भी जाकर अपना वीडियो बनाएंगे, तभी क्योंकि जो एक्टर है, मॉडल है, डांसर है, वो भी इनका वीडियो देख कर इम्प्रेस होकर इसमें सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारे वीडियो उनके जो आप लोग के माध्यम से जो भी आपको जुड़े हैं ना, जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, सारे वीडियोस में आएंगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट से लेके सीरियस मोशन, मोटिवेशन सब इसमें आएंगे। कुछ मोटिवेशन तो मैं अपने थ्रू दे सकता हूँ उसमें, क्योंकि मैं स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो लव यू, इसलिए बाय बाय। चलो थैंक यू। तो अनुरोध है, विनती है, या जो कुछ मान लें छोटे भाई की तरफ से, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। और जो भी वीडियो में अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कुछ सुझाव सजेशन या कुछ भी प्रकार का कुछ अपडेट कुछ देखना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं इस वीडियो में, आने वाले वीडियो में,
कुछ भी कुछ आपका आपके तरफ से कुछ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उस पर हम लोग काम करें, दिन पर दिन अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, एक बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक कमाल और धमाल और फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल एस डी आर ब्लॉग्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ और खुशी इतनी है कि आप लोगों के बीच बताने के लिए मैं आ गया, क्योंकि आपने पिछली वाली वीडियो पर जो प्यार मोहब्बत और सपोर्ट दिखाई है उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आप मेरे आने वाली सारी वीडियो पर ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखना। और जो भाई लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि मेरे सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और कुछ भाई लोग बोलते हैं कि भाई तुमने आउटडोर भी शूट किया करो, तो भाई आउटडोर शूट करेंगे अभी फिलहाल आउटडोर शूट करने में अभी देरी है, क्योंकि मैं अपना अभी स्टेशन दूर कर रहा हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि मेरे को कैमरे के सामने खड़े होने के बाद बोलने का जो लव जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे वो दूर करूँ। आप लोग को सपोर्ट ऐसे बराबर मिलता रहे तो मैं वो भी दूर हो जाएगा। और कुछ रोज कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज कुछ आप लोगों के सामने खुल के मैं बात कर रहा हूँ। और बस आप खाली प्यार देना, सपोर्ट देना, बाकी सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं, रोज मैं एक नया नया कमाल का और एक अलग एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को देखूंगा। कल थोड़ा कम एनर्जी था, आज कुछ ज़्यादा है, परसों कुछ और होगा। बस आप लोग सपोर्ट देना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना जैसे कल अपने वीडियो को बनाए रखा, और इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट देना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैंने अमेजन से कुछ दिन पहले एक ऑर्डर किया था, एक कुछ प्रोडक्ट था जो मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से, जो आज मेरे को दोपहर में मिला। सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको अनबॉक्सिंग करूं। जैसे मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था मैं उसके बारे में सबसे पहले आप सबको बता दूं, सॉरी मैं भूल गया कि आप अनबॉक्सिंग करते समय इसको देख ही लीजिएगा, तो मेरे को बताने की जरूरत ही क्या है। फिर भी मैं बताना शुरू किया हूं तो आप सभी को बता दूं कि मैं वीडियो बनाने में हेल्प करेगा, और एक मानो कि एक मेरे वीडियो का आधार बेसिस वही होगा, इसलिए यह चीज मैंने ऑर्डर। आप सभी को बता दूं मैं कि अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास अभी फिलहाल कोई जगह नहीं है, मैं बाहर अनबॉक्सिंग करूंगा तो वहां पे लाइटिंग उतना अच्छा नहीं है, जो वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा वहां पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि हाथ में अनबॉक्सिंग कर दूं, क्योंकि बड़ा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, अनबॉक्सिंग हो जाएगा तो कोई गिरने वाला चीज तो है नहीं, किसी गिर जाएगा, पर यही पर अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, आपको आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करूंगा। देखते हैं क्या चीज है। ओह सॉरी सॉरी, इस साइड आ गया। मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है भाई, इसको फिर खोलते हैं आपको फिर दिखाते हैं। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए। पैकिंग तो भाई जबरदस्त दिया इसने तो। यह कैमरा स्टैंड है या मोबाइल स्टैंड बोल सकते हैं इसको, मोबाइल स्टैंड है। यह रही मेरी खूबसूरत सी ट्राइपॉड, यह मेरी खूबसूरत सी ट्राइपॉड छोटी सी जो मेरे वीडियो बनाने में हेल्प कर। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. और यहाँ देखिए क्वालिटी कितनी कुछ खास अलग अलग होगी क्वालिटी, पहले से क्वालिटी थोड़ी अलग दिख रही होगी आप लोगों की,
क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा हो जाता है तो अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते थे। अब एक जगह रखने से मोबाइल थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता था। अब यही बात है, और मजा आएगा वीडियो शूट करने में, और आपको भी मजा आएगा वीडियो देखने में। इसलिए मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, आप जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आग की तरह भाई फैला दें अपने सारे दोस्तों के बीच, क्योंकि आने वाले वीडियो और मजा होने वाला है। क्योंकि आगे के जो वीडियो आएगा उसकी प्लानिंग मैंने कुछ अलग कर रखी है, क्योंकि आगे के वीडियो सारा वीडियो दिल्ली के आने वाला है। इसलिए आप लोगों सबसे पहले बोल रहा हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में फुल एनर्जी के साथ। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जैसे कि आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम अमित सोनी है, एसडीएल ब्लॉग्स इनका चैनल है। इन्होंने अपने चैनल पे लॉन्च करने के लिए कुछ शूज मंगवाए हैं जो अमेजोन से आया हुआ है। ये मुझसे बता रहे हैं कि मैंने इसको विदेश से मंगवाया है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि शायद मंगवाया है या नहीं मंगवाए, आई डोंट बिलीव, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि उन्होंने वहां से मंगवाया है। तो रुक जा भाई, कम से कम मेरे व्यूअर को हाय हेलो तो करने दो कम से कम। सॉरी सॉरी सर, बोलो बोलो भाई। अब सबसे पहले सभी मेरे व्यूअर को हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ रोज की तरह आज भी बेटर होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम हुआ सनी देवराय। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग्स, और आज के ब्लॉग शुरू करने मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरे पार्टनर अमित सोनी जी हैं। कुछ तो मैं तो कहता हूँ भाई, तुम अनबॉक्सिंग कर दो यार शूज की, क्योंकि हमारे व्यूअर जैसे देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये वेट कर पाएंगे। क्योंकि देखो, आज के जमाने में बहुत चलती फिरती जिंदगी है और सबके पास टाइम बहुत कम रहता है, और कोई भी अपना टाइम देना नहीं चाहता किसी के वीडियो में। मैं यही सीधी सी बात कहता हूँ कि भाई अनबॉक्सिंग करनी है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि जो भी देख रहे हैं उनके पास टाइम कम है। लोग ये बोलते हैं कि भाई बकचोदी कर रहे हैं बस यूट्यूब पे, लेकिन नहीं यार, सीरियसली थोड़ा टाइम तो दो किसी को, कर दो यार अनबॉक्सिंग होता है ना, कमेंट करके बता देना भाई। सुबह सुबह मैंने एक अमेजन से एक पार्सल रिसीव किया, और पार्सल रिसीव किया मैंने, आप लोग सोचा कि मैंने खुद पार्सल परचेज किया होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे किसी एक खास फ्रेंड ने मेरे को ये पार्सल गिफ्ट किया है, और मैंने सोचा कि चलो गिफ्ट कर ही दिया तो इसको अनबॉक्सिंग अपने यूट्यूब चैनल पर कर दिया जाए, और ताकि आप लोग मेरे व्यूअर को भी पता चले। उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनका नाम बताने से मना किया है, इसलिए सोचा आप लोग के खाली सामने अनबॉक्सिंग करूंगा, और इसका क्वालिटी बताऊंगा, और इसका क्या प्राइस है वो सारी चीज आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, और आज अनबॉक्सिंग जो होगी अमित भाई है साथ में, तो इनके साथ प्रोफेशनल तरीके से अनबॉक्सिंग होगी आज। ये लीजिए अपना प्रोफेशनल चाकू, एक चाकू इन्होंने 20 रुपए का खरीदा है। चलिए शुरू करते हैं आज की अनबॉक्सिंग भाई अमित सोनी द्वारा। ओके ओके, अच्छा लगा, और कंपनी भी, शू की कंपनी भी बहुत बेस्ट है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है, और इसका जो लुक है ना और भी बेस्ट है, बहुत देखने में तो तुम मंगवाए हो मुझे नहीं लगता। अरे अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड ने लिया, वाह 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 वाह, क्या कलर है, जूते के लुक देख के मैं खुद वाह, अरे क्या कलर। रुक जा भाई, मैं पहले दर्शकों को बता दूं, जूते दर्शकों को बता दूं, जूते के बारे में बता दूं। हाँ, बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था खरीदने के लिए, मैं खरीद नहीं पा रहा था, तो मेरे इनके फ्रेंड ने इनको पार्सल करवा दिया ताकि हाँ ड्रीम्स इनके पूरे हो जाएं। मैंने बोला कि भाई मुझे जूते का शौक है कुछ, भाई ये कुछ बड़ा ये फ्लेक्सिबल लग रहा है मुझे, मैं डांस अगर इसको पहने कर दूंगा भाई, भाई टैग लग जाएगी कंपनी की ब्रांडिंग। हाँ भाई, अर्बन गबरू का है यार, वैसे भी आजकल गबरू चल रहे साले रोड पे, अर्बन गबरू का है और इंडियन पीस है, और इसमें बहुत यूनिक चीज लॉन्च किया था।
ये तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, इसको से मोड़ सकते हो। वाह भाई वाह। और ये पूरा कॉटन कपड़े हैं, खाली सारे कपड़े हैं। और इसमें सबसे यूनिक और अब जूते को सबसे खास बनाने वाली चीज एक है इसमें, इसकी जो सुलेस है ना वो बहुत कमाल की है सुलेस। इसकी सुलेस ऑटो है, इसको बांधना नहीं पड़ता। जैसे हम लोग आम जूते को सुलेस को पहले बांधते हैं, इसे बांधना नहीं पड़ता। इसको सबसे लिए सबसे पहले जो इसमें यह चीज दिया हुआ, सबसे पहले दिखा दे आपको ये चीज दिया हुआ। इसको ऊपर नीचे करने से जूता अपने ऑटोमेटिक बंद भी जाएगा, खुल भी जाएगा। और सबसे और भी एक खास बात ये है कि इसमें एयर वो लगा हुआ है कि इसमें जब आप पहनेंगे तो इसमें एयर आती रहेगी, बदबू नहीं जा सकते। आप स्टोर्स में जा सकते हैं, मूवी में जा सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, एवरी बडी कहीं भी आप जा सकते हैं। बहुत यूनिक कम प्राइस में बहुत शानदार पीस लॉन्च किया था गुगल गबरू ने। मैंने बहुत दिन से सोचा था कि बाय करूं। कीमत इसके भाई 1200 रुपए। बाहर वैसे अगर आप खरीदने जाएंगे मॉल वगैरह में तो इसकी कीमत है 5-6 हजार रुपए, बट अमेजोन से 1200 रुपए का मिल गया है। 1200 रुपए में नहीं भाई, मैंने तो खरीदा नहीं है, लेकिन इस पे बिल और रिसिप्ट होगा। इसका अभी ऑफर चला था, उसने बोला कि ऑफर चल रहा था इसलिए मैंने तुमको तुम्हारे लिए गिफ्ट कर दूं। तो मैं इसका प्राइस दिखा दूं आप लोगों को। प्राइस किधर है? प्राइस तो भाई ने वहीं से मिटवा दी भाई, प्राइस मत दिखाना मेरे दोस्त को भाई। इस पे तो प्राइस शो नहीं कर रहा है, प्राइस नहीं लिखा भाई, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इस पे प्राइस शो नहीं कर रहा। आप लोग खुद देख लो, मैं दिखाऊंगा तो बोलोगे कि प्राइस आप दिखा नहीं रहे, लेकिन देख लो आप खुद, इस पे प्राइस है नहीं लिखा हुआ भाई, प्राइस कहीं ना कहीं नहीं है। और इसमें नहीं कुछ इसका मैनुअल है, नहीं कुछ इसका रिसीविंग है, कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सा खाली जूते इम्पोर्ट किए हुए हैं उन लोगों ने। चलिए देखते हैं जूते की क्वालिटी, देख रहे हैं प्रीमियम एकदम, जूते का नीचे का एकदम कमाल था भाई। ये फिसलेगा भी नहीं, आप बारिश में भी ऐसे आप पहन के घूम सकते हैं कहीं भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है अगर बारिश में कोई शूज पहनो ना तो भाई फिसल जाता है भाई, लड़की के सामने अगर आप गिर गए तो भाई बेइज्जती हो जाती है। इसलिए ये शूज बहुत अच्छा है, आप गिर नहीं सकते इसको बारिश में। मैं तो कहता हूँ धगा धग, कोई कोई नहीं है, सामने पहने जाओ आप एकदम लुक तो भाई दिल पर छा जाता है। अगर कोई लड़की से झुक के देख लेगी उसमें अरुण गबरू लिखा रहेगा मस्त हो जाएगा भाई, और इसकी डबल सेटिंग हो जाएगी भाई, मस्त यार, मस्त होगा यार, गिफ्ट मिला होगा भाई दोस्त की तरफ से, मस्त होगा ही। आप देखो इस जूते की क्या लुक है, व्हाइट एकदम। सबसे इसमें यूनिक चीज एक ही लगा कि इसमें जो सुलेस है वो कमाल के लिए होते हैं। देखता हूँ पहन के आपको रिव्यू बताऊंगा कैसा है, ऐसे तो मैं हर जगह इसको नहीं पहन पाऊंगा, यहाँ पर तो चल जाएगा जहां भी रह रहा हूँ फिलहाल, तो उसके लिए तो कम्फर्टेबल है, पहन के घूम सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लुक भी शानदार देगा यह आपको। चलिए गुड गुड, चलिए ठीक है। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, लव यू बाय। चाइन करने के बाद क्या भाई? ठीक है भाई, बताओ भाई। और साथ में इसी के साथ हम लोग आज इस वीडियो का अंत करेंगे, समाप्त करेंगे इस वीडियो को। और वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले लाइक करें, लाइक कर देना, कमेंट करके बताएं अगर आपको ये पसंद है तो इसका लिंक हम आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू, बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 4, देख लो सुबह के बज रहे हैं 4:04 हो रहे हैं, और हम लोग शूट के लिए रेडी हो गए हम दोनों लोग, और हम लोग जा रहे हैं, शॉर्ट मूवी का शूट है। और इतने सुबह सुबह हम लोग को जगना पड़ा, और रात भर अच्छा से सो भी नहीं पाए हैं, उसके चक्कर में कहीं अगर सो गए तो फिर हम लोग सुबह जग नहीं पाएंगे, इसलिए रात भर हम लोग मात्र 2-3 घंटा सोए। और तो भाई लोग हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम से, हम लोग कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, उसके बाद कोई रिक्शा ढूंढेंगे, अगर रिक्शा नहीं मिलता तो कोई बस ढूंढेंगे, शायद बस आती भी है नहीं आती आई डोंट नो। फिर हम लोग लेकिन वहां तक तो राजौरी गार्डन तो पहुंचना है किसी भी तरीके से, क्योंकि कुछ सुनसान लग रहा था तो हाँ भाई, अभी कुत्ते भौंकने लगेंगे, बोल रहे भाई मेरा वीडियो नहीं लोगे तो भाई बहुत मारूंगा इसमें, तो ऐसे रहते हैं कि पीछे लग जाता है, जैसे हम उनके इलाके में आ गए। 1 hour later हम लोग पहुंच गए राजौरी गार्डन, लगता है कि हम लोग जल्दी आ गए हैं। अभी शूटिंग का कोई भी क्रू मेंबर अभी आए नहीं है, अभी बस भी नहीं पहुंच पाई है, हम लोग बहुत पहले आ गए हैं, अब वेट करेंगे सभी लोगों का जब तक लोग आ नहीं जाते हैं। अब क्यों हम लोग जल्दी बुला लिए इसका तो मालूम नहीं है, लेकिन बोले कि तुम लोग 5:30 बजे तक पहुँच जाना, समय हो गया 5:30, राजौरी गार्डन पहुँच गए। ये है राजौरी गार्डन का मेट्रो स्टेशन जो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से बस से फिर शूटिंग लोकेशन पर जाना है, जब तक बस ना आ जाए, क्रू मेंबर ना आ जाए, तब तक वेट करना पड़ेगा।
और चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग्स। आप लोग बहुत बोल रहे थे कि बाहर का सीन शूट नहीं कर रहे हो, आप खेल रूम का ही सीन शूट कर रहे हो, तो आप लोग के बहुत डिमांड के बाद हम लोगों ने बाहर का सीन शूट करने का निर्णय लिया है। और आज हम लोग दिल्ली के सबसे खूबसूरत पैलेस, दिल्ली के सबसे हाई फाई और दिल्ली के सबसे डिजिटल या टिकटॉकर्स जितना यूट्यूबर पूरा यहीं शूट करते हैं। और दिल्ली का हम लोग सबसे खूबसूरत पैलेस कनॉट पैलेस है, जिसको सीपी भी बोला जाता है। मेरे साथ अमित भाई हैं, जो पीछे देख रहे होंगे वो अपने दोस्तों के साथ कुछ फाइट सीन में बिजी हैं। हम लोग यहाँ पे एक प्रैंक वीडियो के शूट में आए थे, लेकिन वो उसकी क्रू मेंबर अभी यहाँ पहुँचे हुए नहीं हैं। और जो सुबह का वीडियो हमने वो सुबह 4 बजे भोर में हम लोग एक सीन शूट करने के लिए जा रहे थे, वो शॉर्ट मूवी का सीन था, तो वो कैंसिल हो गया था। और आज हम लोग दिल्ली के सबसे खूबसूरत जगह दिल्ली के कनॉट पैलेस में हैं, और यहाँ का नज़ारा भाई कुछ अलग ही देखने को मिलता है। चलिए आप लोग भी आज घुमाते हैं दिल्ली के कनॉट पैलेस, आप लोग इसको इन्जॉय कीजिएगा और उतना ही बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अदू हम लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? हम लोग हैं चरखा गार्डन में। चरखन को पहले दिखा दीजिए हमारे व्यूवर्स को, चरखा दिखा दीजिए इनको, पहले घूम के दिखा दीजिए। चरखा और मेड इन इंडिया का दोनों साइन है, और गांधी जी का चरखे जो सूती का उद्योग, गांधी जी को भी इनको दिखा दो, गांधी जी के तीनों बंदर को दिखा दो। हाँ, गांधी जी के तीनों बंदर आप देख सकते हैं पीछे, वहाँ पे कुछ लोग अपना वो बना रहे ना, कुछ लोग अपना वीडियो बना रहे हैं वहाँ, या टिकटॉक का आडा बोलते हैं इसको, और यहाँ यूट्यूबरों का आडा। वहाँ पे टिकटॉक बनाने के लिए 20 रुपए की एंट्री लगती है फीस, अगर यहाँ पे टिकटॉक वीडियो बनाना या फिर प्रैंक वीडियो बनाना, कुछ भी वीडियो बनाना है तो 20 रुपए चार्जेस लगते हैं 1 पर्सन के। आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्राउड नहीं होता है, आप लोग आराम से वीडियो बना सकते हैं यहाँ पर। और देख लीजिए लोकेशन, देख लीजिए इसका लोकेशन इतना खूबसूरत है, पीछे गांधी जी का सीन है सर, और यह गांधी जी का सीन, और उसके पीछे हमारे देश का वो राष्ट्रीय ध्वज, क्या गजब का नजारा लगता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे टिकटॉकर्स ने भी वीडियो बनाने में काम में लगे हुए सारे के सारे। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. हम लोग एक प्यारा सा पपी मिला है, देखिए आपको इसको कितना प्यारा सा पपी खड़ा हुआ है। पैलेस के टिकटॉक वाले, यूट्यूब वाले और ट्रेन वाले सारे मैं कुछ मस्त बात करते हैं, जैसे कि इलाका फिल्मी सिटी हो और मजा आ जाता है देखने में। यहाँ पे पूरी फिल्मी की तरह लगता है यहाँ की जगह, आप भी देखो इन्जॉय करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे शेयर भी करना, और कमेंट भी करते रहना भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम हुआ सनी देवराय। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं अभी गांव में हूं। गांव में ऐसे तीन चीज़ें हैं जो आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगी, वो केवल बेसिकली गांव में ही देखने को मिलेगी। एक होता है नज़ारा, जो गाँव का नज़ारा होता है, चारों तरफ देखो, जिधर देखो, जिधर भी नज़र फेरो उधर हरियाली, पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, शहर में बेसिकली ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात वातावरण, और वातावरण यहाँ का शुद्ध इतना होता है कि गांव में पेड़ पौधे होने के कारण वातावरण शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना मिलता है, जो खेतों द्वारा सीधा उपजाकर किसान अपने घर लाते हैं, तो खाने का स्वाद कुछ और होता है। और शहर में जो इसे मिलता है उसका स्वाद, शहर का खाना का स्वाद दूसरा होता है, क्योंकि शहर के जो खाना खाते हैं उसमें केमिकल आती है, गाँव के खाना होती है जो केमिकल रहित होती है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज नहीं किया जाता है, सेम जो किसान उपजाते हैं और खुद से मेहनत करके घर पे लाते हैं अनाज वहीं पकता है, इसलिए घर का वातावरण, गांव का वातावरण बेहतर होता है शहर की अपेक्षा।
और एक होता है माहौल, गांव में जो माहौल देखने को मिलता है और कहीं बेसिकली देखने को मिलता है। कहीं शहर में आपस में लोग अपने काम में बिजी रहते हैं और गांव में लोग सब सारे लोग अपने होते हैं, सारे अपने जान पहचान के लोग होते हैं, तो सारे लोग आपस में मिलकर रहते हैं, बात विचार करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। इसलिए शहर में जो शहर का माहौल होता है गाँव की अपेक्षा बहुत खराब होता है। वहाँ पर कुछ भी हो जाए लोग आपको ध्यान नहीं देंगे परस्पर, लेकिन गाँव में कुछ भी हो जाए आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, और शहर में ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे गाँव में बहुत मजा आता है घूमने में, रहने में। हम सारे गांव वाले हैं तो गांव में खूब एंजॉय करते हैं। तो पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, गांव के हमारे ठगड़ाई साहब हैं जो बाल बनाते हैं सब लोगों का। और पुराने जमाने जैसे चलता था पहले कुछ सामान के बदले सामान वाला काम, तो वो भी अभी चल रहा है कि जैसे बाल हम लोग का बनाते हैं और इसके बदले में धान के सीजन में धान और गेहूँ के सीजन में गेहूँ लेते हैं। अभी पीछे बाल बना रहे हैं, देखिए ऐसे गांव में बाल कटने का तरीका ही है। शहर में तो सैलून में कटवाते हैं, तो गांव में कटवाने का मजा ही कुछ और होता है। बाहर खुले में बैठ के बाल कटवाते हैं आराम से। सबसे पहले यहां पेमेंट को हम लोग उखाड़ रहे हैं, और यहां से उखाड़ने के बाद वहां जो आपको आगे वीडियो में दिखाया जाएगा जहाँ वीडियो इसको रोपा जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को पीपरमेंट, यानी इसको हिंदी में हम लोग मेंथी बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में हम लोग गांव के लोग जितने भी लोग हैं इसको पीपरमेंट ही बोलते हैं। तो इसका पीपरमेंट का जो खेती करने का तरीका है और इस पौधे को कैसे उपजाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसका आज आप लोगों को सारा प्रोसेस बताता हूं मैं। सबसे पहले इस पीपरमेंट को मार्केट से शॉप से खरीद के लाते हैं, एक लकड़ी के टाइप का होता है, उसे फिर इसको चारा काटने वाली मशीन में काटते हैं। फिर उसके बाद एक क्यारी बनाते हैं, प्याज की टाइप जो क्यारी बनती है, या प्याज बोने के रोपने के लिए जो क्यारी बनती है, और धान लगाने की जैसे क्यारी बनती है सेम प्रोसेस इसका भी है, वैसा ही क्यारी बनता है। और क्यारी लगाने के बाद क्यारी में उस बीज को डाला जाता है और बीज धीरे धीरे तैयार होता है, उसको बार बार पानी देने के बाद बीज तैयार होता है। धान के जिस प्रकार धान को रोपने का तरीका होगा सेम इसका ऐसा ही प्रोसेस होता है। तो जिस टाइप उस धान को आप लोग बीज के क्यारी में डाल के उपजाते हैं, सेम इसको भी उसी तरह उपजाया जाता है, बीज को लगाया जाता है। वहाँ लगने के बाद फिर इसको वहाँ से उखाड़ के और जिस प्रकार अभी रोपा जा रहा है सेम इसी तरह अभी रोपा इसका काम हो रहा है। वहाँ से कब उखाड़ के लाया जा रहा है और यहाँ पर लगाया जा रहा है। पीछे आप लोग देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो बीज को लगा रहे हैं, और यह बीज तैयार हो जाता है और बड़ा होने के बाद इसको फिर बराबर पानी देना पड़ता है, इसमें यही प्रॉब्लम है। और यह अभी खेत अभी होने के बाद इसको फिर मशीन में इसको तेल के लिए लिया जाता है, फिर वहाँ से तेल निकाला जाता है इसमें से, और जो तेल होता है मार्केट में महंगी बिकती है और लोग इसलिए इसका ज़्यादा खेती करते हैं महंगी होने के कारण। अभी इस समय तो कुछ इसका प्राइस घट गया है। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम प्रियरंजन कुमार शर्मा हुआ, और हम आज राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसको कि हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और हम अभी जयपुर की मशहूर आमेर फोर्ट पे उपस्थित हैं और घूम रहे हैं, और चलिए आपको भी घुमाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तालाब महाराजा जय सिंह के द्वारा खुदवाई गई थी, और आपके ऊपर ये जो पहाड़ों पे दीवार दिखाई दे रही है ये पूरी आमेर फोर्ट, और जैसा कि आप जयपुर को कह सकते हैं जय सिंह ने इसको चारों तरफ से किलाबंदी करवा था ताकि कोई भी दुश्मन आक्रमण ना कर पाए, शत्रु देश आक्रमण ना कर पाए जो बाहर से आने वाले थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ मनोहर दृश्य कितनी अच्छी लगती है। इसके बगल में कनक घाटी, जल महल, हवा महल सब यहीं पास में, और इसके आगे कुकस जो कि चिड़ियाघर है वहाँ पे, वो चीज़ आप देखने लायक है। आप आइए जयपुर और देखिए, और आगे हम आपको ले चलते हैं आमेर फोर्ट दिखाएंगे अंदर। शीश महल जिसका कि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट हम आपको बाहर से दिखा सकते हैं।
ऊपर में, सबसे ऊपर अगर जाएंगे अपने हरगढ़ में तो वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध तोप रखा हुआ है, जो कि विश्व में उसके जैसा कहीं तोप नहीं है। उसको चलाने के लिए 1000 क्विंटल बारूद की जरूरत पड़ती है, जो कि हम आपको अगले ब्लॉक में दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आमेर फोर्ट, जो कि यही सीनरी आपको हर जगह दिखाई देती है, और ये सीढ़ियों के माध्यम से कुछ लोग जा रहे हैं। आप यहाँ पे हाथी सफारी का भी लुक उठा सकते हैं, जो कि अभी बंद है। और अंदर आमेर फोर्ट में शीश महल है, जो जिसका की फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, नहीं तो हम आपको वो भी चल के दिखा सकते थे। आप अंदर पास में उसके नाहरगढ़ किला है, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा क्लब है, आप उसको। दृश्य आप देख सकते हैं कितना मनोहर है, और इन वादियों में जो शांति और आनंदित महसूस हो रहा है वो सराहनीय है। और इस पहाड़ी का नाम बताना चाहता हूँ आपको, ये अरावली हिल्स है, जो कि सिर्फ राजस्थान में सबसे बड़ी पर्वत मानी जाती है। और यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं मन को बहुत आकर्षित कर रही हैं, और यहाँ का जो दृश्य है आमेर फोर्ट का वो बहुत ही आनंदित और आकर्षित है। यहाँ का एक शॉप है जिसमें कि आप राजस्थानी ड्रेस लेके राजस्थानी कोई भी आइटम जो राजस्थान की बनावट है आप यहाँ से खरीद सकते हैं। हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसा ऐसा छोटा सा ब्लॉग लाते रहेंगे, और हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। और close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसडीआर व्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग।
मज़ा आएगा शूटिंग देखे टिकटॉक का। ये कुनट पैलेस पे एक्सरसाइज का देखने को मिलता है। वाह अरे वाह देख लिए कमाल भाई टिकटॉक का। मेरा में देखिए सामने कैमरा वाला शूटिंग कर रहे हैं और देखिएगा कमाल बंदे की। वाह कमाल देखिएगा बस। और देखने के लिए कितने बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे उपस्थित हैं। देखने के लिए बहुत सारे लोग, एक दो लोग नहीं हैं, काफ़ी लोग हैं। चारों तरफ से लोग देख रहे हैं लेकिन बंदे कुछ कमाल अलग कर रहे हैं। कुछ तो बहुत मेहनत करते हैं यार टिकटॉक वाले बंदे। आप कनेक्ट प्लस आइएगा तो इसका देखने का नज़ारा मिल सकता है कितने मेहनत करते हैं। देख रहे हैं अक्सर। वाह कमाल की यार, बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियो के लिए। अभी हम दिल्ली के रेड फोर्ट पर आए हुए हैं, लाल किला पे, और देखिए यहाँ क्या खूबसूरत नज़ारा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Hey, okay. आप पीछे का देख सकते हैं जो फ्लैग लगा हुआ, क्या नज़ारा आता है खूबसूरत। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं रेड फोर्ट कितना खूबसूरत होगा, लाल किला। और घूमने में भी बहुत मज़ा आता है यहाँ, घूमने के लिए बहुत से विदेशी भी लोग आते हैं जो पीछे आप लोग देख रहे होंगे। आप पीछे का मंदिर है और पीछे हो रहा है मेला, यहाँ सीन देख सकते हैं आप पीछे मेले का, क्या गजब का मेला सीन है। अच्छा लाल किला और इंडिया गेट और कनॉट पैलेस ना, तीन दिल्ली का सबसे फेवरेट जगह है जहाँ मैं अक्सर जाया करता हूँ। और यहाँ पे मैं देखने के बाद दिल खुश हो जाता है, उससे खुशी। चारों तरफ लाइट ही लाइट दिख रही है, पीछे देख रहे होंगे इंडिया गेट की जो फ्लैग के बगल में लाइट जल रही है। पीछे देख रहे हैं आप लोग मंदिर, देख रहे हैं आप शायद दिखा दूँ मंदिर पर लाइट जल रही है। मेहंदी का भी लाइट बहुत खूबसूरत लगता है आप देखिएगा तो। और यहाँ पीछे चल रही है मेला जो होली का मिलन, होली समारोह चल रहा है, होली का मेला चल रहा है। आप पीछे का भी देख रहे होंगे खूबसूरत दिख रहा होगा। आज लाल किला पर तो खुशी है, बस इन्जॉय कीजिए, हम भी इन्जॉय कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं तो मिलेगा। और टिकट कटने का जगह वहाँ से पीछे में, वहाँ लास्ट में टिकट कटता है। और फिर टिकट कटने के बाद यह सीन देख रहे होंगे जो लगा होगा, जो इसके माध्यम से अंदर जाते हैं। अंदर का मैं सीन नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अंदर में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले बार गया था और टिकट का रेट वहीं कोई 20 रुपया है, तो अंदर तो मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी घूमने आया हूँ, ऐसी मस्ती करने आया हूँ, शाम हो गया, लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ आपको, और मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं तो उनको भी घूमना था, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी दिखा दूँ। अब हम भी तो इन्जॉय कर रहे हैं, रोज़ करते हैं, घूमते फिरते हैं, अपना काम ही है तो घूमना फिरना, मस्ती करना, इन्जॉय करना। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करें हमें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो स्टार्टिंग चल रही है। अभी तो मैं एक तरफ से मानो कि मैं सीख रहा हूँ, और जिस दिन सीखना कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा मेरा क्या सीन होता है। अभी जस्ट मैं एक बाइक राइडिंग का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ लेट होगा उसका, क्योंकि अभी उसका कोई प्लानिंग चल रही है, बस प्लानिंग उसका भी कोई सक्सेस प्लान बना नहीं है, लेकिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। यहाँ का क्या सीन लगता है भाई, आप लोग अभी देखो, इन्जॉय करो। यहाँ का सीन भाई देखो, पूरा कवर हो जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे पूरा। To the highways, to
जा रहे हैं राम जी। ये पढ़ी पलो जजुमान के घी स्वाहा। गिरा रहे राम जी। ये पड़ी है पलो जजुमान के घी स्वाहा। बोली तो नहीं था एम एच सेठ हो जाए स्वाहा। वीडियो होता है पंडित जी स्वाहा। यही दिल्ली का बीजेपी का ऑफिस है मनोज तिवारी का। और पास आया तो इंडिया गेट आपको दिखा दूं। इंडिया गेट में नीचे देख रहे कि हम भी जा रहे हैं आज घूमने दिल्ली के कुछ अच्छी अच्छी जगहों पर, जहां दिल्ली में घूमने में लगता है कि दिल्ली का हमें कुछ दिल्ली में घूमने में मज़ा आ जाता है। ऐसी जगह पर जा रहा हूं। उससे पहले मैं सबसे पहले जा रहा हूं आज मैं एक बोया का माइक लेने के लिए खरीदता हूं, फिर अच्छी क्वालिटी की साउंड सुनने के मिलेगी। अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों के सपोर्ट से मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे बहुत कुछ देखने के मिलेगा। आज थोड़ा आलसीपन है तो इसलिए थोड़ा घूमते हैं फिर देखते हैं, आलसीपन फिर दूर होती है। बस आज देख रहे हैं बस पूरी तरह खाली है, क्योंकि आज संडे का दिन है, संडे के दिन बस खाली ही रहती है, क्योंकि सारे ड्यूटी करने वाले लोग संडे को सबकी छुट्टी रहती है। ऐसे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे बस इतनी भूल रहती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, खासकर सुबह और शाम के समय जब सब सभी लोग को ऑफिस जाने का समय होता है। तो दिल्ली की बस में एक नियम होती है कि दिल्ली के जो कंडक्टर होते हैं बस के पीछे वाली सीट पर बैठे रहते हैं, और जिसको भी टिकट लेना होता है खुद आके वो टिकट लेना पड़ता है। गांव वाला सिस्टम नहीं है, जैसे गांव में हम लोग टिकट कंडक्टर आके खुद काटता है, यहां पर खुद काटने का सिस्टम नहीं है। कंडक्टर एक जगह बैठे रहते हैं अपना कुर्सी पे, सीट पे एक देखो बैठे हुए हैं साइड में, ये वाली सीट पे दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली सीट पर, और यहाँ पर बैठे जाते हैं वो। और बस में सारी महिलाओं का टिकट फ्री है तो इसलिए महिला के टिकट लगती नहीं है, तो महिला अपना पास लेके पास मिलता है, महिला को टिकट नहीं लगती तब पर भी महिला का पास मिलता है, पास लेना जरूरी है, नहीं तो उसका भी फाइन लगता है। और हम लोग को खुद जाकर टिकट लेना पड़ता है कंडक्टर के पास, और कंडक्टर टिकट देता है। कंडक्टर अगर आप टिकट नहीं लेते हैं, अगर चेकिंग में पकड़ा जाते हैं तो इसका भी अलग एक फ़ाइन है, जिसका प्राइस 200 रुपये के लमसम है, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अभी हम माइक लेने लक्ष्मी नगर जा रहे हैं, वहाँ से फिर हम लोग इंडिया गेट चलेंगे, और इंडिया गेट फिर उस वहाँ के कहीं भी घूमने में मज़ा तब आता है साथ में दोस्त हो। अभी मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है इसलिए थोड़ा दोस्त की कमी खल रही है, पर तब पर भी कोशिश करूंगा पूरा एंजॉय करने की, मस्ती करने की। अब अकेले बंदा क्या क्या करे, कोशिश करूंगा। आप लोग साथ हैं तो फिर मज़ा आएगा।
आप लोग साथ नहीं होते तो मैं घूमने नहीं जाता, लेकिन आप लोग साथ है तो फिर घूमने में मज़ा तो आएगा ही। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. यहीं पर दिल्ली का बीजेपी सांसद और दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज तिवारी का यह हाउस है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑफिस दिल्ली के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज तिवारी जी का है। जिनको भी मनोज तिवारी से मिलने का होता है वो यहीं पे मिलते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मनोज तिवारी जी से मिलने का टाइमिंग लिखा भी हुआ है। हल्का हल्का देख रहा हूँ, वहीं बांग्ला साहिब गुरुद्वारा है। क्वार्टर का बहुत बड़ा है, दिल्ली पुलिस का हेड क्वार्टर ऑफिस है, हेड क्वार्टर है यहाँ पे। बहुत दूर में बना हुआ है हेड क्वार्टर दिल्ली पुलिस का, बहुत बड़ा है। देखिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस मुख्यालय लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत दूर में बहुत बड़ा है, लमसम में 30 फ्लोर है, 35 फ्लोर है लमसम में। जहाँ तक मैंने काउंट किया 30 फ्लोर है, 30 फ्लोर के लमसम में है। और यहाँ बगल में भी काम लगा हुआ है। पीछे मेरे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया हूं, अपना सब सारा काम खत्म कर लिया हूं। मैंने अपना बोया कमाई के लिए लिया हूं, जो मेरे हाथ में देख सकते हैं आप, मैंने बोया कमाई की बोया एमोन बहुत साइंड इसकी अच्छी क्वालिटी की है। और फिर मैं इसके बाद जाता हूं इंडिया गेट, नज़ारा दिखाता हूं। इंडिया गेट में रात जाने में मज़ा कुछ और है, रात में नज़ारा कुछ और होता है। तो मैं इंडिया गेट की तरफ बढ़ता हूं। और फिर अभी जस्ट इंडिया गेट में पहुंचा ही था तो एक गजब का नज़ारा देखने को मिला। आप लोग को भी दिखाते हैं क्या चीज़ है, क्या चीज़ है देख सकते हैं आप पीछे मेरे। इंडियन रेलवे का जो पुरानी वाली टैंक है उसकी देख उसको उसको इसको प्रदर्शित किया गया है। लेकिन इसमें कमाल बात यह है कि एयर ट्रेन अभी चलती ही कंडीशन में है। आपको भी दिखाता हूँ, चलिए ट्रेन चल रही है, देख लीजिए आप लोग भी। क्या गजब कलाकार ये नहीं भाई, ट्रेन के पहिए भी चल रही है, ध्यान दीजिए पहिया भी, देखिए पहिया भी चल रही है इसकी। कमाल की प्रदर्शन रेलवे आवाज़ भी कर रही है, गजब रेल की जैसी आवाज़ कर रही है। पुरानी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। चलिए फिर इंडिया गेट चलते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। फाइनली हम इंडिया गेट पहुँच गए और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना शानदार है। और यहाँ पर देख रहे हैं भीड़, देख सकते हैं भीड़। और दिखाते हैं आपको इंडिया गेट, और यह इंडिया गेट का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। रात में भी देखने को मिलती है, दिन से भी कतई ज़्यादा भीड़ रात में देखने को मिलती है आप देखो। और लाइटिंग जो लगती है इसकी बहुत खूबसूरत है। और बगल में वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे या उसको बोल नाटक बोल सकते हैं, तो नाटक चल रही है, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन होता है, क्या मज़ा आता है। इंडिया गेट देखिए, मज़ा तो भाई इंडिया गेट की है, खूबसूरत इंडिया गेट। आने के बाद लगता है कि यह दूर दूर तक ना कोई बिल्डिंग ना कोई घर, और यहाँ पे सीधा सामने पड़ता है राष्ट्रपति भवन, उसके बगल में संसद भवन पड़ता है। नज़ारा कुछ और होता है दिन में देखने पर, लेकिन रात का नज़ारा देखने में मज़ा आता है। सामने दिखता है लेकिन खास तो है नहीं संसद भवन में, और संसद भवन में तो एंट्री तो मिलती नहीं, राष्ट्रपति भवन में एंट्री मिलती है जाने की, लेकिन वो अभी रात में शायद ना हो इसलिए मैं रात में कवर नहीं कर पाऊँगा। दिन में मैं फिर कभी आऊँगा तब आपको दिखाऊँगा। और देखिए इंडिया गेट, और इंडिया गेट का नज़ारा भाई वाकई कमाल लगता है, हर बार आते हैं नया दिखता है यहाँ इंडिया गेट। लोग सारे अपने फ़ोटो खिंचवाने में बिजी हैं। और पास आया तो इंडिया गेट आपको दिखा दूं।
कहानी समझाता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ एक कॉलेज है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, अभी न्यू कॉलेज शायद ओपन हुई है, तो कॉलेज का प्रमोशन चल रहा है यहाँ पे एक नाटक के थ्रू। यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे भीड़ चल रहे हैं और नाटक में बहुत से लोग नाटक खेल रहे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं साथ में। और वहाँ पे एक प्रमोशन के लिए एक टी शर्ट भी दे रहे हैं, जो टी शर्ट देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है, एक टी शर्ट पर ब्रांडिंग भी है कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, जो पहन तो नहीं सकते लेकिन मैं सब लोग ले रहे थे, मैंने भी कोशिश करी ले ही लूँ ताकि आपको भी दिखा सकूँ और मज़ा आएगा। देखिए इंजॉय कीजिए और चलिए देखते हैं इंडिया गेट के कुछ सिनेमेटिक शॉट, फिर आपको मिलते हैं और फिर यहाँ से फिर मैं घर की ओर वापसी करूँगा। तब तक ही इंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए आप। इंडिया गेट घूम कर तो हर बार की तरह आज भी उतना ही मज़ा आया, लेकिन उतना मज़ा कब पता, कोई साथ में कोई बंदा हो तब मज़ा आता है। मैंने ऑफ कैमरा बहुत कुछ किया, आप लोग को नहीं दिखा पाया क्योंकि एक दिखाने के लिए एक बंदा होना चाहिए, मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ सामने वाले को दिखाने के लिए एक बंदा तो होना चाहिए, लेकिन कुछ था नहीं तो इसलिए ऑन कैमरा मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया, लेकिन जितना किया उतना तो काफ़ी है आज के लिए। देख लेंगे पीछे का सीन क्या गजब की लग रही है नज़ारा, और इधर पीछे इंडिया गेट, और इंडिया गेट पे एक ख़ास बात है उसके जो दीवार है इंडिया गेट की, इंडिया गेट की दीवार के पीछे देश की आज़ादी के लिए जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनका दीवार पे नामकरण किया गया है, और यह देखने में बहुत अच्छा लगता है। और नज़दीक से वो नामकरण नज़दीक जा कर देखने में तब दिखता है, दूर से तो दिखाई नहीं देता है, बस हाँ दिखाई देता है कुछ तो ऊपर लिखा गया लेकिन साफ क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है, वहाँ नज़दीक जा कहीं देख पाएंगे आप। और नज़ारा वो लाइटिंग होती है ना रात की, जो लाइटिंग ज़बरदस्त होती है भाई, और यहाँ पे भीड़ दिन के अपेक्षा रात में ज़्यादा भीड़ होती है, रात में लोग ज़्यादा देखने आते हैं क्योंकि लाइटिंग हो, यहाँ पे बेचने वाले छोटे छोटे खिलौने। चलते हैं अपने घर की ओर, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ कवर करने की कोशिश किया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और आगे की तरफ फैलाएँ और सपोर्ट करें भाई, अभी भी सपोर्ट की थोड़ी मोड़ी कमी है, ज़रूरत है। स्टार्टिंग में भाई जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है, बाद में तो सपोर्ट मांगने की नहीं पड़ती, अपने आप सपोर्ट मिलती जाती है, वो क्वालिटी दिन पर दिन निखरती जाती है और निखरने के बाद लोग पसंद करने शुरू कर देते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में सपोर्ट मिलता है ना तो वो मांगनी पड़ती है, सपोर्ट लेनी पड़ती है, कुछ अलग करना पड़ता है। तो मैं आपसे वही अनुरोध कर रहा हूँ, कुछ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एच डी आर ब्लॉग्स पे, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं। आप लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग्स, और आज के ब्लॉग शुरू करने से पहले स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एच डी आर ब्लॉग्स में। आज मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहला वीडियो है, इसलिए मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, और इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस चैनल पर क्या करने वाला हूं, मेरा चैनल का कंटेंट क्या होगा, मेरे चैनल का बेसिस क्या होगा, तो सारा, और मैं कहां से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम क्या हुआ, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन देता हूं, मेरा नाम सनी देवरा है, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं, और इस चैनल पर जो भी ब्लॉग्स आएगा वो सारा ब्लॉग्स ट्रैवलिंग, मार्केटिंग और लाइफस्टाइल, इंटरटेनमेंट और
आपके और हमारे फायदे वाली सारी टॉपिक पे मैं बात करूँगा, और मेरे साथ बात करने के लिए बहुत सारे दोस्त होंगे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे मैं सारे दोस्तों को एक एक करके मिलाऊँगा। अभी नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे, एक दो दोस्त इस वीडियो में मिल सकते हैं, शायद अगले वीडियो में और दोस्तों से मिलाऊँगा मैं आपको। और जो भी वीडियो होगा वो सारा वीडियो का कंटेंट एक अलग जोनर का होगा, एक अलग सब ऐसा आएगा कि ताकि सब आप लोगों को भी मज़ा आए, हमको भी मज़ा आए, सदा इंटरटेनमेंट से भरपूर होगा, मस्ती। मैं अपने एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ जो मेरे साथ में ही रहते हैं, वो ऐसे पैसे से एक मॉडल हैं, एक्टर भी हैं, और वो मेरे साथ वीडियो में बहुत सारे वीडियो में देखने को मिलेंगे आपको आगे वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने दोस्त को आप लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करा दूँ, जिनका नाम है अमित सोनी। आ जा भाई, मिल ले भाई मेरे व्यूअर से। हाय एवरीवन, माय नेम इज अमित सोनी। वैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, इलाहाबाद से मैं कई सारे डांस कोचिंग वहाँ पे ज्वाइन किया था। मैं एक डांसर हूँ, मैंने एक साल का एक्सपीरियंस लिया है, और मैं चाहता हूँ इनका एसडीआर ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए, उसमें इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ विजिट करूँ, जैसे ऑडिशन के लिए जाता हूँ या फिर अपने एक्टिंग वर्कशॉप में जाता हूँ, ये वहाँ पे भी जाकर अपना वीडियो बनाएंगे, तभी क्योंकि जो एक्टर है, मॉडल है, डांसर है, वो भी इनका वीडियो देखकर इंप्रेस होकर इसमें सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इनके जो आप लोग के माध्यम से जो भी आपको जुड़े हैं ना, जो आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, सारे वीडियोस में आएंगे, क्योंकि इंटरटेन से लेके सीरियस मोशन, मोटिवेशन सब इसमें आएंगे। कुछ मोटिवेशन तो मैं अपने थ्रू दे सकता हूँ उसमें, क्योंकि मैं स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो लव यू। इसलिए चलो, थैंक यू। तो अनुरोध है, विनती है, या जो कुछ मान लें छोटे भाई की तरफ से, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और जो भी वीडियो में अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कुछ सुझाव सजेशन या कुछ भी प्रकार का कुछ अपडेट कुछ देखना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं इस वीडियो में, आने वाले वीडियो में कुछ भी कुछ आपका आपके तरफ से कुछ हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि उस पर हम लोग काम करें, दिन पर दिन अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, एक बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक कमाल और धमाल और फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल एसडीआर ब्लॉग्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, और खुशी इतनी है कि आप लोगों के बीच बताने के लिए मैं आ गया, क्योंकि आपने पिछली वाली वीडियो पर जो प्यार मोहब्बत और सपोर्ट दिखाई है उसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आप मेरे आने वाली सारी वीडियो पर ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखना, और जो भाई लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि मेरे सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और कुछ भाई लोग बोलते हैं कि भाई तुमने आउटडोर भी शूट किया करो, तो भाई आउटडोर शूट करेंगे अभी फिलहाल आउटडोर शूट करने में अभी देरी है, क्योंकि मैं अपना अभी हिटेशन दूर कर रहा हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि मेरे को कैमरे के सामने खड़े होने के बाद बोलने का जो लव जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे वो दूर करूँ। आप लोग को सपोर्ट ऐसे बराबर मिलता रहे तो मैं वो भी दूर हो जाएगा, और कुछ रोज कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज कुछ आप लोगों के सामने खुल के मैं बात कर रहा हूँ, और बस आप खाली प्यार देना, सपोर्ट देना, बाकी सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं। रोज मैं एक नया नया कमाल का और एक अलग एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को देखूंगा। कल थोड़ा कम एनर्जी था, आज कुछ ज़्यादा है, परसों कुछ और होगा, बस आप लोग सपोर्ट देना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना जैसे कल अपने वीडियो को बनाए रखा, और इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट देना, और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैंने अमेजन से कुछ दिन पहले एक ऑर्डर किया था, एक कुछ प्रोडक्ट था जो मैंने ऑर्डर किया था अमेजन से, जो आज मेरे को दोपहर में मिला, सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसको अनबॉक्सिंग करूं। जैसे मैंने जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था मैं उसके बारे में सबसे पहले आप सबको बता दूं, सॉरी मैं भूल गया कि आप अनबॉक्सिंग करते समय इसको देख ही लीजिएगा, तो मेरे को बताने की जरूरत ही क्या है, फिर भी मैं बताना शुरू किया हूं तो आप सभी को बता दूं कि मैं वीडियो बनाने में हेल्प करेगा, और एक मानो कि एक मेरे वीडियो का आधार बेसिस वही होगा, इसलिए यह चीज मैंने ऑर्डर आप सभी को बता दूं मैं
कि अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे पास अभी फिलहाल कोई जगह नहीं है। मैं बाहर अनबॉक्सिंग करूंगा तो वहाँ पे लाइटिंग उतना अच्छा नहीं है, जो वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा वहाँ पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि हाथ में अनबॉक्सिंग कर दूँ, क्योंकि बड़ा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अनबॉक्सिंग हो जाएगा तो कोई गिरने वाला चीज़ तो है नहीं, किसी गिर जाएगा, पर यहीं पर अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, आपको आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करूंगा। देखते हैं क्या चीज़ है। सॉरी इस साइड आ गया। मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है भाई। इसको फिर खोलते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए। पैकिंग तो भाई जबरदस्त दिया इसने तो। यह कैमरा स्टैंड है या मोबाइल स्टैंड बोल सकते हैं इसको, मोबाइल स्टैंड है। यह रही मेरी खूबसूरत सी ट्राइपॉड, यह मेरी खूबसूरत सी ट्राइपॉड छोटी सी, जो मेरे वीडियो बनाने में हेल्प कर। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. और यहाँ देखिए क्वालिटी कितनी कुछ खास अलग होगी क्वालिटी, पहले से क्वालिटी थोड़ी अलग दिख रही होगी आप लोगों की, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा हो जाता है तो अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते थे। अब एक जगह रखने से मोबाइल थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाता था, अब यही बात है। और मजा आएगा वीडियो शूट करने में, और आपको भी मजा आएगा वीडियो देखने में, इसलिए मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ आप जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आग की तरह भाई फैला दें अपने सारे दोस्तों के बीच, क्योंकि आने वाले वीडियो और मजा होने वाला है। क्योंकि आगे के जो वीडियो आएगा उसकी प्लानिंग मैंने कुछ अलग कर रखी है, क्योंकि आगे के वीडियो सारा वीडियो दिल्ली के आने वाला है। इसलिए आप लोगों सबसे पहले बोल रहा हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन के दबा लें। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में फुल एनर्जी के साथ।